सो हेलो फ्रेंड्स, का फिर से मैं छः सौ पाँच सौ एम में करना। तो गाइस देखो, तुम लोग को पहले बता दूँ, मेरा अब 3 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, जो कि बहुत ईजी होने वाला। भाई इंग्लिश का पेपर कौन उसमें खतरनाक मतलब बेकार जाता है। एंड तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि तुम्हारे एग्जाम कैसे जा रहे हैं। अभी तक तो जितने भी लोग बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, बस कुछ लोगों के थोड़े ख़राब गए, वरना उसके अलावा मोस्टली सबके अच्छे जा रहे हैं। तो अब हमारे मेन टॉपिक पर बात करते हैं। अभी तक अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर दो यार। एंड अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो। आई नो तुम लोग चाहते हो मैं लाइव स्ट्रीम करूं, बट एग्जाम चल रहे हैं ब्रो, अभी नहीं कर सकता मैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के बच्चे। नहीं कर सकता। एंड मेरे तो भाई टीचर पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि देखो बात ऐसी है, मैंने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दिया था, मैं गांव चला गया था, मेरी दादी का डेथ हो गया था एंड मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की थी। तो या मैं अपना हाफ ईयरली छोड़ के चला गया था, तो मेरे को अगर मैंने हाफ ईयरली नहीं दिए तो मेरे टीचर्स बोल रहे हैं कि मुझे फेल कर दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। तो या मेरे को लगभग मतलब मेरे को सिंपली डबल एग्जाम देने पड़ रहे हैं और सिलेबस टोटली डिफरेंट है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो चलो बात करते हैं हमारे एक वेपन के बारे में, जिसके बारे में क्या बोलते हैं फेसबुक पे पोस्ट किया गया था। तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे एक वेपन देख सकते हो, जो कि मोर लाइक मुझे लग रहा है जेवलिन नेक जैसा लग रहा है। या तुम लोग खुद सोचो, जेवलिन नेक नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा? और बैटल शुरू होने में भैंस की साल बीत गए, अरसा बीत गया पूरे बैटल शुरू होते होते। तो अगर तुम लोग गौर करोगे तो भाई ये थोड़ा थोड़ा जेवलिन की तरह लग रहा है। एंड अगर उसी पोस्ट के अंदर तुम अगर ये मैसेज देखो, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर तुम साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि लिखा है लॉन्ग आर्म का प्रीमियम। देखो लॉन्ग आर्म स्नाइपर, देखो सबसे पहले वहाँ लिखा है स्नाइपर, स्नाइपर में उन लोगों ने लिखा है लॉन्ग आर्म, फिर लिखा है लॉन्ग आर्म स्नाइपर प्रीमियम, उसके ऊपर लिख रखा है क्या लिखा है उनने, जेवलिन रैक। तो जेवलिन रैक बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ईएम राइफल लिखा है उन लोगों ने। सो ये कह जा सकता है कि थोड़ा मतलब आलोक सांस ले एंड देन बोल, सांस ले एंड देन बोल। मैं उलझ रहा हूँ, मैं उलझ रहा हूँ सीरियसली। ओके तो ठीक है, मैं अब ढंग से बोलता हूँ गाइस, अब मेरा दिमाग थोड़ा काबू में आ गया। तुमसे ना हो पाएगा। तो वहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिखा गया था कि स्नाइपर जैसे वेपन्स होते हैं, जैसे अभी मैं ईएम राइफल चला रहा हूँ, तो स्नाइपर में नॉर्मल स्नाइपर क्या है लॉन्ग आर्म, लेकिन वहीं पे प्रीमियम वर्जन जैसे कि खतरनाक वर्जन, एकदम तबाही वाले वर्जन हो गए ईएम राइफल जैसे वेपन्स। फिर यही सेम चीज़ सिर्फ इस वेपन के साथ नहीं लिखा था, तो उन लोगों ने जेवलिन रैक का भी वहाँ पे ऐसा ही लिख रखा था कि हाँ भाई क्या बोलते हैं होमिंग मिसाइल में है तो जेवलिन रैक, लेकिन प्रीमियम होमिंग मिसाइल्स उसमें आएगा ये वेपन, चांसेस बहुत हैं इस वेपन के आने के। एंड जहाँ तक बात है कि हमें क्या पता है इस वेपन के बारे में, हम कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं नहीं पता हमें, मैं तो खुद हैरान हूँ उसे कहाँ से पता है। झूठ बोल रहा है। उसने शायद कोई पता नहीं, मेरे को बता रहा था उसने कोड वोड कुछ निकाल लिए। भाई अपने दोस्त से बात कर रहा था मैं इसके बारे में आराम से पूरी दही खा के। भाई साहब पूरी दही खाने में कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है, लेकिन मेरे को दही खाना ही नहीं पसंद ऐसी की तैसी। एक बार खाया था बहुत तगड़ा लगा था, लेकिन उसके बाद दही की वैसे उल्टी आ गई थी। हाँ गया, मैं दही नहीं खाता, दही नहीं पीता, मुझे उल्टी आ जाती है फॉर सम रीजन्स, पता नहीं क्यों, मेरे ही साथ होता है, सबके साथ होता है। ओके तो भाई इस वेपन के जहाँ तक गेम में आने के चांसेस रहे, भाई मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो आराम से बैठ के बोल तो रहा हूँ, मैं यही खा रहा था पूड़ी और दही, लेकिन भाई साहब मैं हैरान था जैसे ही मैं गेम में आता और ये मुझे वेपन दिखता। हाँ एंड मैं अगर तुम सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो सीरियसली मेरे पास दुनिया भर का भी टाइम पड़ा है, क्योंकि मैं बेरोजगार पड़ा हूँ, मैंने बहुत सारा अपना सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैं थोड़ा गेम खेलने आ गया। एंड जैसे ही गेम खेलने आया तो मैं देखता वीडियोज़ डल रखी हैं रे, एंड मुझे कोई बताया गया मुझे भैंस की इतना बुरा वाला क्यों मार रहा है, भैंस की मैक्स 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 इम्प्लांट मैक्स, ये मैक्स वो मैक्स, कहाँ है रे, नहीं कहाँ है। अबे भाई मेरे कंट्रोल तुझे भाई कुछ भी, अबे भैया कहीं से भी आके मार दे रहे हैं, व्हाट द हेल, जीत जाएंगे भाई ऐसे ही लोग, व्हाट द हेल, ऐसे तो जीत लिए ये तो गेम, मैं क्या करने आया। ओ बे यार रहने दे। और वैसे एक चीज और, 5v5 गेम, व्हाट द हेल, वाच 5v5 गेम मोड अब पता है 3 मिनट का हो गया है, ये पता नहीं इसमें खुश होने की क्या बात है, 5v5 गेम मोड अब कम टाइम का हो गया है, पता नहीं इसमें खुश की क्या बात। अबे यार छोड़ देना भाई मेरे, भाई छोड़ देना, 2 1, अबे किसी एक को तो मार लेने दो, मैंने क्या हुआ ये गेम के अंदर है, क्या हुआ क्या, नहीं क्या था वो, मैं क्या खेल के आया हूँ, नहीं क्या करके आया हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ, ये कौन सा गेम प्ले था है,
क्या था ये गाइस, क्या करके आ रहा था मैं गेम के अंदर, मुझे इसलिए ये फ्री फॉर ऑल नहीं पसंद। भैंस की मैप इतना छोटा है ना कि कहीं मैं पिटता रहता हूँ, मेरी किस्मत भी तो खराब है इस गेम मोड के अंदर। छोटी बच्ची हो क्या, इसलिए मैं खेलता ही नहीं हूँ यार, बकवास लगता है मुझे गेम मोड। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बस एक्स्ट्रा गेम प्ले खेल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है, फालतू का बेरोजगार का टाइम पड़ा है मेरे पास, तो मैं बेरोजगारी में यहाँ पे ऐसे ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, कितना बेरोजगार होना पड़ेगा आपको मेरी तरह यूट्यूबर बनने के लिए भाई साहब। और ये बैटल शुरू क्यों, अबे हो क्या रहा है, कौन सा इंटरनेट चोरी कर रहा हूँ मैं किससे, 15 सेकंड के टाइमर है क्या है भाई, नहीं क्या है, कहीं सीधा बैटल में मिलता हूँ मैं भाई। मारो मुझे, नहीं ये मजाक हो। बैटल शुरू हो गया, किसी ना किसी तरह भैंस की हो ही गया ऐसी की तैसी, पता नहीं कौन सा टाइम ले रहा था, कहाँ का टाइम निकाल रहा था ये, बट रहने दो बैटल में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मोटो, आर यू रेडी, आर यू, अरे तुम लोग रेडी रहो भी मत भैंस की, मेरे कोई सब कुछ कैप्चर तो हुआ है ना, हाँ कैप्चर हो गया, मुझे लगा कैप्चर ही नहीं हुआ। हेलो सर, इधर देख लो, कभी सारे बंदे वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, मुझ जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ घूमते रहते हैं, और मुझ जैसे कीड़े मकोड़े की बोल रहा हूँ, अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं भाई, कैप्चर कर जल्दी भाई, कर ले भाई, थोड़ी हेल्प ही कर दे यार, जल्दी हो जाता अगर तू भी रहता तो। आ जाओ, टेंशन मत लो यार, जल्दी गेम प्ले ख़त्म करते हैं भाई। अरे यार तू भी ना, नखरे देखो, मेरी हेल्प चाहिए इन लोगों को, नखरे देखो, अरे बोल दिया करो मैं आ जाऊँगा प्यार से, कितना अच्छा आदमी हो मैं टीममेट्स की। अबे हट जा, ऐसी की तैसी मर जा तू भी, ओके तू ऊपर से क्यों आ रहा छलांग, नहीं 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 ब्रो, ब्रो कंट्रोल, आई नो यू आर एक्साइटेड, रुक जा ना, आई नो यू आर एक्साइटेड ब्रदर, बट इतना एक्साइटेड मत हो। अबे यार शेट, अबे रिलोड हो जा, हाँ शुक्रिया, रिलोड होने में तुम्हें इसकी साल लगा, अरे यार बस भाई भाई, ये तो आनी लग रहे हैं, ये तो रुकी, अरे गलत जगह मार दिया डैश, अरे यार गलत जगह, रुक जा छोरे नौटंकी कहीं के, भाई साहब क्या ये जान ही नहीं दे रहे ना, अरे यार जान दे ना, अबे यार रहने दे, मैंने इधर क्यों मारा अपना मत्था मुझे नहीं पता, ठीक है पूछना मत मुझसे, पता नहीं मैंने क्यों वहाँ पे अपना मत्था मारा, क्या सोच के मारा मैंने वहाँ पे अपना मत्था कि मैं बच जाऊँगा। हेलो, वैसे मैं बच तो गया, तो मत्था मारना सक्सेसफुल रहा भाई, हटेगा मैं संभालता हूँ ना, तू क्यों संभाल रहा, अपने हाथ गंदे मत कर, नहीं 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 ब्रो 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 ऐसा मत करो मुझे, नहीं कुछ भी भाई, इतना बढ़िया गेम प्ले चल रहा था, ये पीछे से आके धप्पा क्या करने की ज़रूरत थी तेरे को, ऐसी की तैसी, नहीं पीछे से आके धप्पा क्या करने की ज़रूरत थी, नहीं क्या पाल लिया तूने धप्पा करके, ना कुछ अचीव किया हो तो बताइयो, तुझे देखूंगा भाई माइन वाले, मैं ही मरने वाला हूँ, सीधा मुंह पे मारता है यार माइन मेरे, कैसा बंदा है यार, मैं आ रहा हूँ, ओ शिट, तुझे ही क्यों आना था और यहीं क्यों आना था, सारी जगह में यही जगह क्यों मिली और मैं कहाँ अटक गया था, क्या हो रहा है मुझे। अबे इधर आ ले मोटे, मोटा कतई गैस की फ्लैक्स दिखा रहा है मुझे, इधर आ ले छोटे, छोटे मोटे लोटे सब कुछ, सारे वर्ड इस्तेमाल कर दूंगा जितने भी हैं मेरे पास। ओके गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई एम सुंदर, चलो बाय।